कुछ भी नहीं किया, तो ऐसे भी भाई अभी मैस में आ गए थे। और तो अभी लोबिया मिल चुकी है, लोबिया की सब्जी थी भाई, आलू मिक्स। धान की प्रजाति पूसा 2511 चित्रकूट में है, क्योंकि चित्रकूट में क्या होता है, यहाँ पर स्कैरसिटी आ जाती है, सूखा पड़ जाता है। आमला इतने बड़े बड़े हैं, एक्चुअली ये आमला जो है अभी बड़ा नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है। और अभी जैसे कि मैं बात कर रहा था गुआवा ऑर्चर्ड की, और फिलहाल तो मैं गुआवा ऑर्चर्ड के पास ही पहुँच चुका हूँ। भाई आप देख सकते हो यहाँ पर कपड़े उपड़े की भी दुकान है भाई। भाई मेरा एक्सपेरिमेंट वेलकम बैक टू ब्रांडेड ब्लॉग। और आज मतलब कि आज तो दोपहर हो गया, सुबह से उठ के कुछ भी वीडियो ये सब नहीं बनाया, पूरा दिन रूम में घुसे रहे, कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे भी क्योंकि अब अभी खाने मतलब कि खाना खाने का समय हो रहा है, तो खाना जाना है भाई। मैंने छाता ले लिया है और कहीं जाऊँगा, बाहर घूमूंगा, देखूँगा क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो भी दिखाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा। फिलहाल तो सुबह उठ के बस मस्ती YouTube पे वीडियो देखी बस, और कुछ नहीं। और जैसे कि हमारा एक रूम पार्टनर था, वो अभी यहाँ से जा चुका है, वो अपने घर पर गया होगा। फिलहाल तो उसको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मतलब कि तबीयत ये सब ख़राब हो गई थी, तो वो घर चला गया होगा। और चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको खाना, खाने में क्या बनाऊँगा, जो भी बनाऊँगा आपको दिखाते हैं। भाई अभी मैस में आ गए थे और पता चला कि खाना ही नहीं बनाया, यहाँ पर तो अभी लोबिया मिल चुकी है। तो अभी खाना ये सब खा लिया, और भाई खाने में दाल चावल सब्जी, लोबिया की सब्जी थी भाई, आलू मिक्स। आलू तो मिक्स ही रहता है हमेशा, आलू सब्जियों का राजा है ना, इसलिए तो आलू मिक्स रहता है। और रोटी हाँ सही थी, रोटी तो सही थी, और दाल जो थी दाल में थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खा लिया भाई, खाना अच्छा था। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, चलो दिखाता हूँ आपको पीछे वाले कैमरे से। आप ये देख रहे होगे, ये जो लगा हुआ है ये धान है, मतलब कि धान की फसल लगी हुई है। आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, जो धान की प्रजाति है आप यहाँ पर देख सकते हो, धान की प्रजाति पूसा 2511 ये एक प्रजाति है भाई। मुझे नहीं पता कि कैसी ये हाइब्रिड वैरायटी है या ड्रॉट वैरायटी है, कैसी वैरायटी है। थिंक मुझे लग रहा है कि जो ये वाली वैरायटी होगी काफ़ी अच्छी होगी इस क्लाइमेट के लिए, जो हम यहाँ पर चित्रकूट में हैं, क्योंकि चित्रकूट में क्या होता है, यहाँ पर स्कैरसिटी आ जाती है, सूखा पड़ जाता है। मतलब कि यहाँ पर फ़िलहाल तो पानी की कमी रहती है, लेकिन अभी ये KVK है, तो KVK के द्वारा भाई पानी की समस्या रहती नहीं है, ये समय समय पर पानी प्रोवाइड कर देते हैं खेतों को, जिससे कि क्या अच्छी फसल हो जाती है। लेकिन मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो किसान लोग होते हैं, मतलब कि यार उनके पास पानी नहीं पहुँच पाता है, और यहाँ पर बोर भी नहीं है और नलकूप भी नहीं है, जैसे कि हमारा गाँव है तो वहाँ पर नलकूप ये सब हैं और बोर भी हैं, और जिसके द्वारा क्या होता है पानी पहुँच जाता है। समर टेबल भी नहीं है यहाँ पर, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो यहाँ का पानी का कोई सोर्स है ही नहीं पहली बात। तो फिलहाल तो यहाँ ऐसे स्कैरसिटी आती रहती है, सूखा पड़ता रहता है। लेकिन अभी ये समय है अगस्त सितंबर का, अक्टूबर तक यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती है, फिर दीपावली के बाद यहाँ पर बारिश होना बंद हो जाती है, फिर तो बारिश ही होती नहीं है, फिर वही फसल जो पाती है जो ठंडी में होती है थोड़ी बहुत, और ऐसे कोई फसल नहीं हो पाती है। आप लोग आंवला देख सकते हो भाई, आंवला इतने बड़े बड़े हैं, मतलब कि छोटे पेड़ में भाई आंवला बहुत ज़्यादा आ जाते हैं यहाँ पर। तो गाइस अभी हम यहाँ पर आंवला खाने आए थे भाई, आंवला है सब, एक्चुअली ये आंवला जो है अभी ये बड़ा नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है, तो खाने में सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कड़वा है भाई ये आंवला खाने में, लेकिन हाँ एक दो महीने नहीं, एक महीने में पूरा पक जाएगा, तब खाने में बड़ा मज़ा आएगा। अभी हम यहाँ बैठे हैं भाई, काफ़ी समय हो गया है बैठे बैठे, और रूम में जाएंगे। फिलहाल तो कुछ है नहीं यार दिखाने के लिए, मैं क्या दिखा दूँ। देखो शाम को कहीं पर जाएंगे तो दिखाएंगे, गांव में जाएंगे कुछ अंडे खाने के लिए, तो आपको गांव का सीन दिखाएंगे कि गांव का सीन कैसा है। इसे फ़िलहाल तो आप गांव का सीन देख चुके होंगे, मैंने पहले ब्लॉग अपलोड किया है भाई, चनाट गांव में गए थे और ऑर्गेनिक गांव में गए थे भाई, बड़े अजीब से नाम है, ऐसे गांव के नाम थोड़े अजीब से ही होते हैं। हमारा जो गांव है भाई उसका भी नाम अजीब सा ही है। जब हम अपने गांव में जाएंगे तो आपको हम अपना गांव भी दिखाएंगे।
भाई ये ट्रैक्टर जा रहे हैं कहीं पर, शायद ये खाद डालने के लिए कहीं पर जा रहे होंगे फर्टिलाइजर खेतों में। हे गाइस गुड इवनिंग। तो अभी भाई शाम का समय हो रखा है और आज हम जा रहे हैं गांव में जा रहे हैं फिलहाल, तो भाई कुछ खाने पीने के लिए। एक्चुअली सही है भाई, पूरा दिन ऐसे चला जाता है, कुछ करते नहीं हो फिलहाल तो। आजकल यहाँ पर काम ऐसा भी नहीं चल रहा है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं भाई वो भी बिजी रहते हैं, कभी कभी काम करवाते हैं। मतलब कि आप पहले वाले ब्लॉग में देखे होंगे तो उसमें हम सब ने गड्ढा खोदा था भाई, गड्ढा खोदा था और उसके बाद गड्ढा खोदा कहीं और था, उसके बाद जो ट्रांसप्लांटिंग की थी वो भी कहीं और किया था। तो भाई ये सब चल रहा है फिलहाल तो, लेकिन सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार हम जो गुआवा है गुआवा के ऑर्चर्ड में गए थे, तो सर हमसे पूछने लगे कि इनमें कौन कौन सी बाहर होती हैं। तो भाई फ़िलहाल तो मेरे को नहीं पता था, फिर मैंने पढ़ लिया आज मैंने पढ़ा, तो उसे जो गुआवा होता है उस पर तीन बाहर होती हैं। कौन कौन सी बाहर होती हैं? एक अम्बे बाहर होती है, मृग बाहर होती है एंड हंस बाहर होती है। तो ये जो बाहर जो होती हैं ना, इनका बाहर का मतलब ये नहीं कि एक प्लांट है उस पर फ्लावरिंग तो आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास तीन ऑप्शन हैं, तो उसमें से आप किसी भी बाहर की फ्रूटिंग ले सकते हो। जैसे कि अगर आपको हस्त बाहर की फ्रूटिंग लेनी है तो आप अम्बे बाहर मृग बाहर इनकी फ्लावरिंग आप हटा दोगे तो आप हस्त बाहर की फ्रूटिंग ले सकते हो। तो हाँ ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया। और एक और चीज़, जो अम्बे बाहर होती है तो इसकी जो क्वालिटी होती है, एक तो वाटरी और पुअर क्वालिटी की होती है फ्रूट, और जो मृग बाहर होता है भाई मृग बाहर में काफ़ी एक्सीलेंट अच्छा होता है। और जो हस्त बाहर होती है, हस्त बाहर में क्या होता है, हस्त बाहर में मतलब कि एक्सीलेंट फ्रूट आपको मिल जाएगा, पूरा अच्छा खासा फ्रूट मिल जाएगा। क्योंकि जो हस्त बाहर होती है, हस्त बाहर ठंडी के सीज़न में आता है, तो ठंडी के सीज़न में भाई काफ़ी अच्छा होता है। मतलब कि अगर आप गुआवा का ऑर्चर्ड बना रहे हो और कर भी रहे हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हस्त बाहर इट इज़ मेन इम्पोर्टेंस। और जब हस्त बाहर आती है मतलब कि विंटर सीजन में, तो इसमें क्या होता है, जो फ्रूट फ्लाई होती है, फ्रूट फ्लाई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि विंटर सीज़न होता है पूरा पानी पानी होता है, तो फ्रूट फ्लाई सीजन इट इज़ अ वेरी डेंजरस आई कैन से। और इसके बाद और क्या होता है, जब विंटर सीजन में क्या होता है, जो गुआवा बिल्ट ये भी ढी जा जाता है इस पे गुआवा में, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है गुआवा के ऑर्चर्ड में। लेकिन इन सब के लिए भी ऑप्शन है भाई, आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड ये ले सकते हो, और प्लांट में आप स्प्रे कर सकते हो, फॉलियर स्प्रे कर सकते हो, इससे कि क्या होगा, ये सारे डिजीज़ भग जाएंगे। जब ये सारे डिजीज़ भग जाएंगे तो भाई आपका जो फल होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। और अभी जैसे कि मैं बात कर रहा था गुआवा ऑर्चर्ड की, और फिलहाल तो मैं गुआवा ऑर्चर्ड के पास ही पहुंच चुका हूँ। ये आप ब्राइट ही दे सकते हो, ये सारे गुआवा के पेड़ हैं, और गुआवा की वैरायटी भी होंगी, वैरायटी पता नहीं कौन सी है फिलहाल तो। यहाँ पर कोई बोर्ड उर्ड लगा नहीं है, अगर यहाँ पर जो भी सर होते हैं और कोई काम करने वाले होते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है, तो हमें यही बताते हैं कि भाई ये देसी वैरायटी है, मतलब कि जनरली उन्हें नहीं पता कि ये कौन सी वैरायटी है। जैसे कि अगर आप बेर की वैरायटी लो, तो उस पर क्या गोला सेब ये सारी वैरायटी होती हैं, लेकिन इनमें गुआवा की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। गुआवा की वैरायटियाँ आपको मैं बता देता हूँ, एक वैरायटी होती है लखनऊ 49 L49 वैरायटी होती है भाई, मोस्ट सस्टेबल होती है, मतलब कि अच्छी क्वालिटी की होती है। अगर आप लखनऊ 49 वैरायटी आप अपने ऑर्चर्ड में लगाते हो तो बहुत बढ़िया। एक इलाहाबाद सफेदा वैरायटी जो होती है, इलाहाबाद सफेदा वैरायटी जो होती है, ये जो लखनऊ 49 होती है इससे थोड़ी कम सस्टेबल होती है, मतलब कि हाँ इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ठीक है, नॉर्मली जो फार्मर होते हैं वो उगा लेते हैं। लेकिन अगर मैं रिकमेंड करूँ तो भाई लखनऊ 49 वैरायटी इट इज़ अ बेस्ट, यू कैन शो इन योर ऑर्चर्ड, बहुत अच्छी वैरायटी भाई। ऐसे भाई हम बहुत
दूर आ चुके हैं, ऐसे फिलहाल हम जा रहे थे। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, जो हमारे आप पीछे देख रहे हो भाई, इतने सारे करौंदे लगे हुए हैं, करौंदे, करौंदे का पेड़ है, सारा करौंदे का पेड़ है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ पर हेड हैं HOD डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी जी, जो उनकी वाइफ है डॉक्टर ममता जी, तो वो प्रोसेसिंग से PhD की हैं, तो वो सारा चीज़ बनाती हैं भाई, जो भी बनाना होता है, जैसे कि आमला का मुरब्बा और फिलहाल अचार, ये सब आम उम का, तो वो सब बनाती हैं और लाती भी हैं भाई, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये छोटा सा जाने के लिए है, इसके आगे चले जाते हैं, और फिलहाल तो इधर सारी बाउंड्री लगी हुई है भाई, तार ऐसा लगी हुई है, तो इसके अंदर कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ उसी रास्ते से जा सकते हैं भाई। ऐसे मैं बता दूं, जो हमारा KVK है भाई, थोड़ी बहुत तो इस पर प्रोटेक्शन है, मतलब कि ऐसे बिना पूछे कोई अंदर नहीं जा सकता। फिलहाल तो जो भी जाते हैं वो काम करने वाले होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं वो सब ही आते हैं, और जो अधिकारी होते हैं वही आ सकते हैं, और जिनको भी आना होता है वो पूछ के आ सकते हैं। इधर दे सकते हो आप भाई, ये जो भैंसियाँ हैं कैसे मज़ा ले रही हैं भाई, पानी में जा रही हैं। एक्चुअली इन सबको गर्मी लग रही होगी, इसलिए पानी में भाई मज़े लेती हुई जा रही है। वाह भाई, तो अभी गांव के अंदर आ गए हैं, और अच्छी बात है यार, एक्चुअली शाम का समय है, तो सारे लोग यहाँ पर बैल और भैंस सब खोल के लेके आ रहे हैं। एक्चुअली अभी क्या हुआ, एक बैल आ रहा आगे से भाई, भक्ति हुआ रहा, एक्चुअली हम बच गए, तो मैं मार देता, तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन हाँ ठीक है, अगर हम गांव में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत हमें संभल के जाना चाहिए, ऐसे कि क्या हो, हमें कुछ चोट ये सब ना लगे। ओ भाई पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी ट्रैक्टर की, तो पीछे खेत की जुताई चल रही भाई। और यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पर जो काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो होती है काफ़ी ठोस होती है, मतलब कि हाँ ठीक है, काली मिट्टी ठोस होती है, जल्दी खुदती नहीं है, मतलब कि आप उसको खोद नहीं सकते जल्दी, तो ये कड़क होती काली मिट्टी थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी टाइप की, और थोड़ी बहुत बलुई टाइप की मिट्टी आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं मिलती है बलुई टाइप की मिट्टी। और जो बांदा है, बांदा में आपको रॉक टाइप की जो सॉइल होती है आपको मिल जाएगी, उसमें थोड़े बहुत पत्थर कंकर सब मिले हुए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी इतने नहीं मिलते हैं, लेकिन ब्रेक टाइप की यहाँ पर सोल पाई जाती है भाई। आप देख सकते हो यहाँ पर कपड़े उपड़े की भी दुकान है भाई, सिल सकते हो भाई, ये तो वहाँ सीन अच्छा है यार भाई, दोनों काम हो रहे हैं, यू आर स्मार्ट बॉय भाई, यहाँ पर प्रेस भी आप करवा सकते हो, सिलाई उलाई हो जाएगी अच्छे से, काम हो रहे हैं सही है, चलो बढ़िया भाई। भाई मेरा एक्सपेरिमेंट भाई, अभी दुकान में गए थे तो अंडे उंडे खाए भाई, काफ़ी सही था ऐसे, एक्चुअली थोड़े बहुत खराब लग रहे थे अंडे, लेकिन ठीक है। और उसके बाद भाई बिस्किट ये सब ले लिया है, और इसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। एक्चुअली अभी तो शाम हो गई है, शाम आपको लग रही होगी, शाम का टाइम है, तो भाई घूमते घूमते गांव से बहुत दूर आ चुके हैं हम, अपने KVK के पास पहुंचने वाले हैं भाई, अच्छी बात है। एक्चुअली शाम का समय है, आपको थोड़ी बहुत शाम तो लग रही होगी, और कैमरे में थोड़ा बहुत नहीं लग रही होगी, लेकिन अभी शाम है, अभी 6:30 ये सब बज गया है, तो करते हैं वीडियो को प्लीज़। सो यू वॉच माई होल वीडियो, सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट इट, बाइक करना तो बोलना मत कर देना, ओके। भाई कुछ हो रहा है, जल्दी जल्दी लो अबे यार, भाई जब कुछ हो रहा है कर, नहीं हो रहा वो।